हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम आपको बताएंगे घी में एडल्टरेशन मतलब कि मिलावट को पता लगाने का प्रोसीजर। ये हमारे एडल्टरेशन सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसी प्रकार हम डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल में डिफरेंट टाइप्स के एडल्टरेशन और इसके डिटेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने घी ले लिया है। ये घी घर में बनाया हुआ प्योर घी है, इसमें किसी प्रकार का एडल्टरेशन नहीं है। 3 से 4 स्पैसुला हम वॉश ग्लास में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद हम आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और इस आयोडीन सॉल्यूशन से 3 से 4 ड्रॉप हम घी में ट्रांसफ़र करेंगे। 3 से 4 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद इसको ग्लास रॉड की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन का कलर अगर चेंज हो जाता है और डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब घी में एडल्टरेशन है। क्योंकि हमारा घी प्योर है, इसमें किसी प्रकार का एडल्टरेशन नहीं है, तो आयोडीन सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये प्योर घी है। अब हम इसी टेस्ट को दूसरे सैंपल में करेंगे। इस घी के सैंपल को हमने बाहर लोकल मार्केट से परचेस किया है, तो इसमें एडल्टरेशन होने के चांसेस हैं। इस घी के सैंपल को हम 3 से 4 स्पैचुला लेंगे और एक वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस घी के सैंपल को देख के ही लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार का एडल्टरेशन है। अगर इसमें स्टार से रिलेटेड एडल्टरेशन है, तो इसको आयोडीन टेस्ट लगा के हम कन्फर्म करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन को लेंगे और 3 से 4 बूंद इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ग्लास रॉड की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं आयोडीन का कलर चेंज होके डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब इस घी के सैंपल को, जिसको हमने बाहर लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, इसमें स्टार्च से रिलेटेड एडल्टरेशन प्रेजेंट है। क्योंकि स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आप दोनों सैंपल को कंपेयर करके देख सकते हैं। राइट साइड में एडल्टरेटेड घी का सैंपल है और लेफ्ट साइड में प्योर घी का सैंपल है। इस एक्सपेरिमेंट को हम किसी भी आयोडीन कंटेनिंग ऑइंटमेंट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि बीटाडीन। हमने स्मॉल अमाउंट में ऑइंटमेंट ले लिया है ग्लास रॉड में और उसको सैंपल में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर इस सैंपल में स्टार से रिलेटेड कोई भी एडल्टरेशन प्रेजेंट है, तो आयोडीन का कलर चेंज होकर डार्क ब्लू कलर में हो जाएगा। जनरली बॉइल्ड पोटैटो को मैश करके घी में मिला दिया जाता है और पोटैटो में प्रेजेंट स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं घी का सैंपल धीरे धीरे डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इस घी के सैंपल में स्टार्च से रिलेटेड एडल्टरेशन किया गया है। अब हम इस आयोडीन टेस्ट को रिपीट करेंगे घी के दूसरे सैंपल को लेकर। हमने आयोडीन ऑइंटमेंट को स्मॉल अमाउंट में ग्लास रॉड में ले लिया और उसको घी के सैंपल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये घर में बनाया हुआ प्योर घी है, तो इसमें किसी प्रकार का एडल्टरेशन नहीं है स्टार से रिलेटेड, इसलिए आयोडीन का कलर चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं आयोडीन का कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का स्टार से रिलेटेड एडल्टरेशन नहीं है। हम दोनों सैंपल को कंपेयर करके देख सकते हैं। राइट साइड में एडल्टरेटेड सैंपल है और लेफ्ट साइड में प्योर सैंपल है। अब हम सभी सैंपल को एक साथ रख के देखेंगे। राइट साइड में एडल्टरेटेड सैंपल है, इसमें डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में प्योर सैंपल है जिसमें आयोडीन का कलर चेंज नहीं हुआ है। थैंक यू।